15 अक्टूबर 2023 हिजबुल्ला एक के बाद एक कई मिसाइल फायर करता है। पहला हमला टावर उड़ गया, दूसरा हमला रेडार तबाह हो गया। तीसरा हमला एक और अड्डा तहस नहस हो गया। ये जगह है लेबनान और इजराइल के बॉर्डर पर शीबा फार्म्स का इलाका, दुनिया के सबसे खतरनाक बॉर्डर्स में से एक। और यहां बने हैं इजराइल के 5 बहुत ही खतरनाक अड्डे, अड्डा नंबर 1, अड्डा नंबर 2, अड्डा नंबर 3, अड्डा नंबर 4, अड्डा नंबर 5। ये जगह गोलान की पहाड़ियों के उत्तर में है और यहाँ पहाड़ों की ऊंचाई 1500 मीटर तक है। नीचे लेबनान का इलाका और यहीं से अटैक लॉन्च किया गया। इस ग्राफिक से समझ सकते हैं इस इलाके की टोपोग्राफी, कौन कहाँ मौजूद है, कौन सा इलाका किसके पास है। अब यहाँ क्या हुआ बहुत गौर से देखिएगा। यहाँ लेबनान के इलाके में हिजबुल्ला का पूरा कंट्रोल है और उसने निकाली 3 बहुत ही खतरनाक एंटी टैंक मिसाइल और मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। ये मिसाइल ईरान से सप्लाई की जाती रही है और ऐसी मिसाइलों का हिजबुल्ला के पास बहुत बड़ा जखीरा है। हिजबुल्ला ने 3 तरह के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें इस्तेमाल की। ये है कॉर्नेट, इसकी रेंज 5 किलोमीटर तक है। ये रूस की मिसाइल है लेकिन अब ईरान इसका देसी वर्जन देहलाविया तैयार कर चुका है और ऐसी बहुत सी मिसाइल अब हिजबुल्ला के पास है। दूसरी है BGM-71-2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, रेंज है 3.5 किलोमीटर। यह अमेरिका में बनी मिसाइल है लेकिन अब इसकी नकल ईरान तैयार कर रहा है और इसने हिजबुल्ला को सप्लाई की है। तीसरी है 85 कॉनकोर्स, रेंज 4 किलोमीटर, ये भी रूस ने बनाई है और अब ईरान में ये तोसान नाम से तैयार की जा रही है। तीनों मिसाइल बहुत ही घातक हैं और जिस तरह से इन्होंने इजराइल के अड्डे उड़ाए हैं उससे ये बात साबित हो जाती है। हिजबुल्ला का दावा है कि उसने ये हमला लेबनान में इजराइल के हमले के जवाब में किया। इजराइल के हमले में एक पत्रकार की मौत हुई है जबकि कई घायल हुए हैं। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ पत्रकार घायल हालत में हैं और पास ही एक गाड़ी जल रही है। इजराइल पर इस हमले का आरोप लगा है। अब लेबनान में इस मर्डर को लेकर इजराइल को लेकर बहुत गुस्सा फैल चुका है। इजराइल के खिलाफ बेरूत में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी को देखते हुए अब हिजबुल्ला ने क्या किया है वो बहुत गौर से देखिएगा। सबसे पहले इजराइल का अड्डा नंबर 1 शतुला इलाके में बने इस अड्डे पर हिजबुल्ला ने किया पहला हमला। हिजबुल्ला ने कॉर्नेट मिसाइल से अटैक किया जो सीधा जाकर इजराइल का एक टावर उड़ा देती है। हिजबुल्ला की ये रेंज देखकर इजराइल के कैंप में खलबली सी मच गई क्योंकि निशाना भी बिल्कुल सटीक लगा और टावर पूरी तरह से तबाह हो गया। इसके बाद टारगेट बना इजराइल का अड्डा नंबर 2, ये भी शतुला इलाके में है और यहाँ हिजबुल्ला ने किया दूसरा हमला। इस बार हिजबुल्ला ने BGM-71-2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का इस्तेमाल किया। अमेरिका में बनी यह मिसाइल इतनी सटीक है कि इसने ठीक रेडार स्टेशन को तबाह किया। ऐसा निशाना देखकर कोई भी दुश्मन डर जाएगा। इसके बाद टारगेट बना इजराइल का अड्डा नंबर 3, ये भी शतुला इलाके के करीब है और यहाँ हिजबुल्ला ने किया तीसरा हमला। इस बार हिजबुल्ला ने कॉनकोर्स एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल फायर की। रूस की ये वायर गाइडेड मिसाइल भी इजराइल के एक ठिकाने को खत्म कर देती है। इसके बाद चौथे और पांचवें अड्डे पर भी हिजबुल्ला अपनी बाकी मिसाइलों और मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से हमला करता है और उनका भी वही हश्र होता है जो बाकी अड्डों का हुआ है। हिजबुल्ला का दावा है कि इन हमलों में इजराइल को भारी नुकसान हुआ है और उसके कई सैनिक भी मारे गए हैं। צה"ל הגיב בירי והשמיד עמדות חיזבאללה ואת מקור האש.
כמו כן, בוצע ירי למוצב צבאי, אין נפגעים, גם שם צהל הגיב באש לעבר מקורות הירי. समझ लीजिए कि इस वक्त इजराइल और लेबनन के बॉर्डर पर आग लगी हुई है और ये सब कब युद्ध को 10 गुना भड़का सकते हैं, इसके बारे में दुनिया में सिर्फ 4 लोग जानते हैं। पहले हैं इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू, दूसरे हैं ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, तीसरे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन और चौथे हैं यूरोप से लेकर अमेरिका तक सबको हिला देने वाले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा एक्टिव ईरान है। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्ला हिया ने कहा है कि अगर इजराइल ने गाजा पर बमबारी नहीं रोकी तो हिजबुल्ला ने ऐसी तैयारी की हुई है कि इजराइल में जलजला आ जाएगा। در اسرائیل علیه شهروندان و غیر نظامیان در غزه فوراً متوقف شود. ईरान के विदेश मंत्री ने 48 घंटे में वो कर दिखाया है जिसका तेल अवीव से लेकर वाशिंगटन डीसी तक खौफ फैला हुआ है। इजराइल को लेकर ईरान की वॉर डिप्लोमेसी इस वक्त युद्ध के कई फ्रंट खोल चुकी है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की बातचीत के बाद 48 घंटे में ईरान के विदेश मंत्री ने इराक का दौरा किया, वहां के राष्ट्रपति से मिले। ईरान के विदेश मंत्री ने सीरिया जाकर वहां के राष्ट्रपति से मुलाकात की। हुसैन अमीर अब्दुल्ला हिया फिर लेबनन गए और हिजबुल्ला की लीडरशिप से मिले। इसके बाद वो कतर आए और वहां के विदेश मंत्री से मीटिंग करने के बाद हमास की लीडरशिप यानी इस्माइल हानिया से मुलाकात की। सवाल है कि क्या 48 घंटे के अंदर ईरान और इसराइल के बीच बड़े युद्ध की तैयारी हो चुकी है? इसराइल ने भी लेबनन बॉर्डर पर हमले का वीडियो जारी करके बताया है कि वो हिजबुल्ला को छोड़ेगा नहीं। लेकिन अपनी ताकत दिखाने के लिए हिजबुल्ला ने अपने वीडियो वायरल करने शुरू कर दिए हैं। हिजबुल्ला के इस वीडियो में बताया जा रहा है कि वो इसराइल पर हमले के लिए तैयार है। इस वीडियो में हिजबुल्ला का मैसेज साफ है कि उसका अटैक ऐसा होगा जो इसराइल रोक नहीं पाएगा। इस वीडियो में हिजबुल्ला का मिलिशिया कमांडो ऑपरेशन की तरफ इशारा कर रहा है। इस वीडियो में हिजबुल्ला बता रहा है कि उसके कमांडो मोटरसाइकिल पर आएंगे और इसराइल की सेना भागती हुई नजर आएगी। हिजबुल्ला ने बहुत साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि वो इसराइल पर हमला कर देगा। अगर इसराइल की सेना फिलिस्तीन के गाजा में घुसी तो वो उत्तरी सीमा की तरफ से इसराइल पर चढ़ाई कर देगा। इसराइल और लेबनन के बीच करीब 130 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है और यहाँ संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना तैनात रही है। इसमें भारत की फौज भी शामिल है। इस वक्त इसराइल को गाजा से ज्यादा इस बॉर्डर की टेंशन है, क्योंकि अगर इसराइल गाजा में घुसा तो हिजबुल्ला उत्तर की तरफ से इसराइल पर हमला बोल देगा। Fired an anti-tank missile towards Israeli troops. There was a short battle, and the situation eventually calmed down. Afterwards, Hezbollah sent drones into Israel and also fired surface-to-air missiles against an Israeli aircraft. All of those two attempts were successfully intercepted by the IDF, but the situation on the northern border remains very tense, and we are monitoring the activities of Hezbollah very closely with additional enhanced capabilities in the north, prepared for any eventuality that may happen. दक्षिण लेबनान और उत्तरी इजराइल के बीच जो बॉर्डर है वहां तनाव बहुत ज्यादा है। यहां अफरा तफरी के बीच खामोशी है जो तूफान से पहले देखी जाती है, इसलिए यहां के लोगों को भी पता है कि बहुत जल्दी युद्ध का एपिसेंटर गाजा से निकलकर लेबनन तक पहुंच सकता है। यहां तैनात संयुक्त राष्ट्र की सेनाएं भी अलर्ट मोड पर हैं, लगातार पेट्रोलिंग हो रही है। इसराइल की सेना ने अपना गोला बारूद तैयार रखा हुआ है। तोपों से जो गोले फायर किए जाएंगे वो पहले से ही रेडी मोड पर रखे गए हैं।
इसराइल की रिजर्व फोर्स भी आसपास के इलाकों में तैनात की जा रही है। ये हम्वी गाड़ियां हैं जो लगातार यहां तक फौज पहुंचाने में लगी हुई हैं। 2006 के बाद इस बॉर्डर पर इससे ज्यादा तनाव नहीं देखा गया और अब हिजबुल्ला की वार्निंग के बाद सबकी नजर ईरान पर भी है और उसके एक दोस्त सीरिया पर भी है। इसराइल के गोलान की पहाड़ियों पर भी टैंक पहुंचा दिए गए हैं। ये जगह सीरिया का हिस्सा था लेकिन 1967 में युद्ध के बाद इसराइल ने सीरिया के इस हिस्से को अपने में मिला लिया और तभी से यह इलाका इसराइल के कंट्रोल में है। देखा जाए तो इस वक्त पूरे पश्चिम एशिया में युद्ध की चिंगारी पहुंच चुकी है। इसराइल से लेकर गाजा और गाजा से निकली यह आग अब लेबनन पहुंच चुकी है। चिंगारी सीरिया और ईरान में भी नजर आ रही है।